उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए योगी सरकार अब मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश में मरीजों को किसी तरह से परेशानी ना हो, उसे लेकर भी सरकार ने कई तरह की व्यवस्थाएं कर ली हैं, जिन पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। बल्कि सीएम योगी प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपायों की खुद निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण के प्रशासनिक उपायों की समीक्षा के लिए वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बीएचयू में डीआरडीओ की ओर से बनाए गए अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी भी ली। बल्कि सीएम योगी ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर पूरी व्यवस्थाओं की देखरेख को देखा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मरीजों को किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसकी उन्होंने पूरी तौर पर जांच की है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी शनिवार को मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर भी गए थे, जहां सीएम योगी ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ वर्तमान में जो देश की लड़ाई चल रही है, उसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रशासनिक मशीनरी कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने में सफल होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी अपील करते हुए कहा कि खुद को बचाव करते हुए कोरोना के प्रति व्यापक जागरूकता और कार्यक्रम जरूरी चलाए जाएं। अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसी के साथ योगी सरकार ने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए हर वो काम कर रही है, जिससे प्रदेश की आवाम को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।